तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे ETFs की जो हर डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करता है। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं आप स्टॉक्स के थ्रू ही सारे सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बल्कि आज की डेट में आप ETFs के थ्रू भी सारे सेक्टर्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारे सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो हमारी लिस्ट में जो हमारा आज का पहला ETF निकल के आता है, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो इस बारी बारी से हम एक एक ETF को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले ETF पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में पहला ETF निकल के आ रहा है वो निपॉन इंडिया का Nifty 20 है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे तो आप जानते ही होंगे। अगर आपको निफ्टी 50 को कवर करना है, यानी हमारे इंडेक्स को कवर करना है, तो आप निपॉन इंडिया के निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ETF के बारे में तो आप जानते ही होंगे अगर आप मार्केट में हैं। तो चलिए दोस्तों अगले ETF की ओर चलते हैं। तो अगर आप दोस्तों USA के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और USA के मार्केट को कवर करना चाहते हैं ETF के थ्रू, तो आज आप NASDAQ 100, जो कि मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप USA के NASDAQ 100 को कवर कर लेंगे और USA का IT सेक्टर भी पूरा कवर हो जाएगा। इसमें गूगल, एप्पल जैसी, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो इस ETF को भी आप हो सकता है जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले ETF में हम नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, तीसरा ETF जो निकल के आता है, ये अगर आप इंडिया के IT सेक्टर को कवर करना चाहते हैं, तो आप निपॉन इंडिया का ETF बाय कर सकते हैं, जो कि निफ्टी IT को कवर करता है, जिसका कि प्राइस देख सकते हैं इस समय 31 रुपीज़ चल रहा है। तो ये अगर आप IT सेक्टर को कवर करना चाहते हैं इंडिया के, तो आप निफ्टी IT को बाय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ETF है। तो चलिए अगले ETF पे नज़र डालते हैं। तो अगला ETF जो निकल के आता है दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर का। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को कवर करना चाहते हैं ETF के थ्रू, तो आप Bank 20 बाय कर सकते हैं। ये भी निपॉन इंडिया का है और प्राइस इसका 419 रुपये चल रहा है आज की डेट में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले ETF की ओर। तो जो अगला ETF निकल के आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप फार्मा सेक्टर को कवर करना चाहते हैं, तो आप फार्मा 20 बाय कर सकते हैं, जो कि निपॉन इंडिया का है। आप निफ्टी फार्मा को कवर करना चाहते हैं, तो आप फार्मा 20 बाय कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसका प्राइस सिर्फ 12 रुपये 31 पैसा है, जो कि बहुत ही कम है। आप इतने से रुपये में पूरा फार्मा सेक्टर कवर कर सकते हैं। और हाल ही में हमने इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन अगर इस ETF की रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला ETF कौन सा निकल के आता है। तो जो अगला ETF निकल के आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी FMCG ETF। तो दोस्तों, अगर आप आज की डेट में FMCG में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और FMCG को ETF के थ्रू कवर करना चाहते हैं, तो आप ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी FMCG ETF को भी बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका प्राइस आप देख सकते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 467, यानी 467 रुपये। तो दोस्तों, अगर आज की डेट में आप FMCG सेक्टर को भी कवर करना चाहते हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी FMCG ETF के थ्रू आप इस सेक्टर को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अगला ETF कौन सा निकल के आता है। तो जो दोस्तों अगला ETF निकल के आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, Gold 20। दोस्तों ये भी निपॉन इंडिया का ही है और ये भी एक ETF है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी ETF के थ्रू आज के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे बिल्कुल इस स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका प्राइस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 49 रुपीज़ चल रहा है, 50 रुपये से भी कम का है। और आप इतने से पैसे में आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में Gold 20 बाय करने का बहुत ही अच्छा, गोल्ड बाय करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इसे ETF के थ्रू भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो ये होगी इस ETF के बारे में। तो ये एक तरह से कॉमोडिटी सेक्टर को भी कवर कर सकते हैं आप Gold 20 के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, इस ETF के बारे में भी बात कर लिया हमने, अब चलिए देखते हैं कि अगला ETF कौन सा निकल के आता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो अगला ETF निकल के आता है, वो निकल के आता है दोस्तों ऑटो सेक्टर का। अगर आप दोस्तों ETF के थ्रू ऑटो सेक्टर को भी कवर करना चाहते हैं, तो निपॉन इंडिया का निफ्टी ऑटो ETF भी बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज की डेट में 133 रुपीज़ चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर को अगर आप ETF के थ्रू कवर करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है आपके लिए। तो दोस्तों, आज हमने टोटल आपके साथ 8 ETFs को डिस्कस कर लिया है। तो इन 8 ETFs के साथ अगर आप चाहें, तो मार्केट के हर एक सेक्टर को कवर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई सेक्टर छूट गया हो, तो आप उस सेक्टर को कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं उस सेक्टर के रिगार्डिंग, अगर कोई ETF मार्केट में अवेलेबल होगा, तो उसके बारे में जो वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल जो मोटा मोटा हमारा इंडियन मार्केट में सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स को कवर करने के लिए हमने आपको लगभग 8 ETFs जो बताए हैं, वो सभी सेक्टर को कवर कर लेते हैं मोटा मोटी तौर पर।
तो दोस्तों अगर आप आज की डेट में स्टॉक से अगर दूर रहना चाहते हैं, अगर आपको स्टॉक्स रिस्की लगता है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप स्टॉक के थ्रू ही सारे ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में आप ETFs के थ्रू भी सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ETF के थ्रू कोई भी सेक्टर को करना कम रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक के थ्रू आप सारे सेक्टर को कवर करना, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता होगा कि स्टॉक जीरो हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आज की डेट में जीरो हो सकता है। आज की डेट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आज का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। पर दोस्तों ETF, जैसा कि आपको पता है, एक ETF में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, अकेला कोई एक दो स्टॉक नहीं होता है, उसमें कम से कम 10 20 30 40 50 स्टॉक होते हैं, तो ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बात आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भी उन जैसे लोग में हैं जो मार्केट में कम रिस्क में यानी लो रिस्क में मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है मार्केट में कि आप बहुत ही कम रिस्क में आप ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सकें। तो दोस्तों आप इन 8 ETFs में से अपने जो भी आप जिन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, और आपका बेस्ट सेक्टर जो है, आपको जो भी सेक्टर पसंद है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर ट्रेड करने से पहले आपको उस ETF का पर्टिकुलर ETF का एक बार वॉल्यूम जरूर चेक कर लेना है कि आपको जिस भी क्वांटिटी में उसमें ट्रेड करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, तो जिस क्वांटिटी में भी आपको उसमें बाइंग करना है तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ETF में वॉल्यूम उतना अच्छा है या नहीं एक बार जरूर चेक कर लेना है। खैर ज़्यादा ETF में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ये जो एक आपके सामने ऑटो ETF है इस ETF में और जो हमने आपको दिखाया था FMCG वाला ETF, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू हो सकता है। तो इन दो ETFs में आप एक बार जरूर वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जिस भी आप क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर ETF में बाय करना चाहते हैं। और किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। हो सके तो आप किसी भी ETF में एक बार में पैसा मत लगाइएगा, और आप जिस भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बार उसको अच्छे से स्टडी जरूर कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग भी करिएगा। अगर आपको ETF समझ में आए तभी इन्वेस्ट करिएगा। हम पूरे वीडियो में कहीं भी आपको बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारी जो भी वीडियोस होती हैं YouTube पे सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। हम कभी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन किसी भी ETF या स्टॉक्स में नहीं देते हैं। तो आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस और अपना बैक टेस्ट और अपना रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा किसी भी ETF में। तो दोस्तों खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।